स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। जैसी अंदर घुसी ना, सामने से मलबा ऊपर से झड़प से गिरा और आगे अगर चली जाती ना तो इसका सर फट जाता था। फिर इंसान नहीं रहते, ऊपर इंसान रहते, लोग ये सोच के रह गए। क्या वजह था? मैं केस भी खाए लो बेफुजूल का, बहुत कुछ फेंकते। जब 3 महीने पहले भी गिरा था तो आप लोगों ने बोले नहीं उनको बनवाने के लिए? इतना बड़ा खतरा है, छोटे छोटे बच्चे लोग है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अचानक नगर के दुबे चौल में रहने वाले लोगों के घरों पर रजा गार्डन इमारत की खिड़कियों पर बने छज्जे टूट टूट कर गिर रहे हैं। दुबे चौल के यूसुफ शेख के घर पर दोपहर के वक्त छज्जे से टूट कर मलबा नीचे गिरा और पतरा टूट गया। चौल में रहने वाले लोगों ने बताया कि रजा गार्डन नामक इस इमारत जो है ये काफ़ी पुरानी है और कई जगहों पर छज्जे टूट चुके हैं और अब तक कई बार कई लोगों के घरों पर गिर चुका है मलबा। चाल में रहने वाले लोगों ने बताया कि बारिश का मौसम भी आने वाला है और बारिश में इस इमारत से और भी खतरा हो सकता है। इसके पहले कि कुछ अनहोनी हो, प्रशासन को इस इमारत को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? यूसुफ शेख। क्या यहाँ पर क्या मामला हुआ था जो आपके? मेरा मामला ऐसा है कि हम लोग अभी बाहर बाजार के लिए गए थे, मैं और मेरी बीवी। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो मैंने बोला जा कर के कुछ बना दे खा लेंगे। जैसे ही अंदर घुसी ना तो वैसे ही सामने से मलबा ऊपर से झड़प से गिरा। अगर ये थोड़ा सी और आगे अगर इस्लामुद्दीन में चली जाती ना तो इसका सर फट जाता था। फिर भी उसके सर के पर मट्टी जो आती ना साइड की वो गिर गई। अगर आगे चली जाती ना तो पूरा फट जाता था। इससे पहले भी एक मसला यहाँ हमारे जो बाजू वाले, कहाँ से गिरा, कौन सी बिल्डिंग? ये पीछे बिल्डिंग है ना। क्या बिल्डिंग का क्या नाम है? रजा गार्डन है। बिल्डिंग का नाम। हम लोगों ने बिल्डिंग की मालकिन है ना, मालकिन उनको बोले थे, रुबीना आंटी को बोले थे हम लोग ने, तो उन्होंने कई बार हम लोग जाके बोले उनको, तो बोले भाई ठीक है मैं कराती हूँ। फिर बीच में उनके आदमी का हस्बैंड का इंतकाल हो गया था तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है ऐसी बात नहीं। काफी तो खराब हालत दिखाई दे रहा है पूरा, कई जगह वो फटा है, गिरा है, जो छज्जा है वो बोल रहे हैं। अभी ये मसला ऐसा हो गया, लेते नहीं है हम लोग को, ऐसा समझते नीचे इंसान नहीं रहते ऊपर इंसान रहते, लोग ये सोच के रह गए। तो ये आज पहली बार हुआ है या जो है? पहली बार सब में मेरे घर में हुआ है, सेकंड बार इधर हुआ है, फिर थर्ड बार इधर हुआ है। पहला सब में पहला मेरे घर में हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरे घर का भी आप हाल देख सकते हैं। वही तो उनके वजह से मैं केस भी खाए लाऊ बेफुजूल का। गलती इन लोग की रहने के बावजूद मैं घर में खाना खाते है बैठा था, रात में 1 बजे पुलिस वाले लेके आए, बोले इन लोग पत्रे फेंकते, बोले हम लोग फेंकते हैं ना हमारे घर में रहके हम फेंकते हैं। ये तो अभी नीचे हमारे पीछे का गटर भी आप साफ देख सकते हैं, नहीं तो पहले बहुत गंदा था ऊपर से पूरा कचरा। बिल्डिंग वालों का क्या मसला हम लोग को नहीं मालूम, वो पता नहीं क्यों रिपेयरिंग नहीं करा रहे 2 साल से। उनके पीछे बोल बोल के तो थकी गए, पीछे कचरा फेंकते और सीधा नाम बोलते कि चौल वाले फेंकते, सीधा हम लोग बोलते कि चौल वाले फेंकते, हम लोग कैसा फेंकेंगे? अभी भी एक मिनट, अभी भी जो ऊपर छज्जा दिखाई दे रहा है, 2-3 छज्जे ऐसे हैं जो फट चुके हैं, लटके हुए हैं। ये तो अभी ताजा गिरा है ना सर, ये फिलहाल अभी ताजा गिरा, ऊपर आया हमारे देखे ना, हमको इस्लाम खुद ऊपर चढ़ के देख। उसके अलावा एक ये छज्जा फटा हुआ है, उसके बाजू वाला जो है वो भी फटा हुआ है। हाँ सर, वो पहले भी गिरे हुए ना, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे, वही तो पूरे पहले जब हम लोग कंप्लेंट करते हुए कोई हमारी सुन रहा नहीं है सर। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके घर पे कब गिरा था ये?
मेरे घर पे 3 महीना हो गया। बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बच गए। किसी को लगा था उस वक्त? नहीं, बच गया था। तो आप जब 3 महीना पहले भी गिरा था तो आप लोगों ने बोले नहीं उनको बनवाने के लिए? क्या बोलते हो? देख के गए तो थोड़ा सा छोटा सा बोले कि हाँ हम लोग बारिश में रिपेयरिंग कर लेंगे। अब आगे साल की भी बारिश चली गई, अभी बारिश का महीना आने वाला है, अभी फिर और गिरेगा तो इतना बड़ा खतरा है। छोटे छोटे बच्चे लोग है, वो सुन नहीं रहे, जाके बताते कुछ भी नहीं वो समझते सुनते। हेलो इस्लामुद्दीन भाई, अभी अभी हम लोग जब गए थे ना, कुछ 3-4 दिन हो गया, तो आंटी ने हमको बोले थे खुद ही से कि अभी ये हफ्ते भर में ना हम लोग बिल्डिंग का काम चालू करने वाले, लेकिन अब वो हफ्ता भर तो हुआ नहीं, वो लोग करा लेंगे, हमको तो ऐसा लगता भी, लेकिन अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसका क्या करेंगे? हमको बिल्डिंग से कोई लुकआउट नहीं इस्लामुद्दीन भाई, बस हमारे को खतरा नहीं होना चाहिए, हम लोग रहते हैं सुकून से, हमको रहने दो, बिल्डिंग वाले भी अच्छे से रहे, हम लोग तो यही चाहते हैं, हमको किसी को तकलीफ देना नहीं है, हमारा ये मसला है, मसला खाली हल करके दे दो बस।